और जिंदगी में हम ही देते हैं और मौत भी हम ही देते हैं। लेकिन
हम लिखते हैं, लिखता कौन है? लिखते तो फरिश्ते हैं, जो लिखते हैं फरिश्ते तो कुरान में तो अपने ये क्यों कर रहा है? हम लिखते हैं, इससे क्या मुराद? अरे उससे मुराद ये है, अब अगर कोई जो है वो आवाज उठाने लगे हम आप क्या शिर्क की बातें कर रहे हैं,
ईसा मुर्दे को जिंदा करेंगे? ये तो काम अल्लाह का है। तो नहीं, काम अल्लाह का तो है लेकिन अल्लाह ने अता किया है, ये अख्तियार दिया है ईसा को, तब वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से अहले बैत को हक अदा कर दिया है। हम जब कहते हैं या अली मदद तो ये शिर्क नहीं है, हम जब कहते हैं या अली मदद तो ये शिर्क नहीं है, क्योंकि परवरदिगार ने ये अख्तियार दिया, परवरदिगार ने ये अख्तियार अदा किया। इस एतबार से अहले बैत को यह हासिल है, और अहले बैत के तो सत्ते में पूरी कायनात ही भरत थी उसने, अहले बैत के सत्ते में तो उसने पूरी कायनात ही भरत किया। अच्छा, अब ये कि तुम जो छोड़ते हो असर वो हम लिखते हैं, जो असर छोड़ देते हो उसे हम लिखते हैं। ये असर क्यों यह लिखा गया, असर क्यों लिखा गया? इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो हमारा अमल बंद नहीं है, अभी तो हमारा अमल बंद नहीं है। मौलाना अली रज़ा साहब ने किसी को कुरान पढ़ाया है, तालीम दी है, अब वो बच्चा कुरान जान गया, कुरान सीख गया, कुरान की तालीम उसको मिल गई, अब उसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया। इस तरीके से जो है वो सैकड़ों साल गुजर रहे हैं, हजारों साल गुजर रहे हैं, ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। नामाए आमाल में अली रज़ा साहब पे लिखा जा रहा है, नामाए आमाल में अली रज़ा साहब पे लिखा जा रहा है। अगर किसी ने कोई नेक काम कर दिया है, किसी बच्चे को कुरान हिफ्ज करा दिया है और उसने किसी और को हिफ्ज करा दिया, फिर उसने किसी और को हिफ्ज करा दिया, तो अब वो तो मर के चला जाएगा, वो तो मर के चला जाएगा, मगर उसका नामा आमाल खुला है, उसमें जो है वो नेकी और बदी बढ़ती घटती रहेगी, नेकी भी और बदी भी, बदी किस एतबार से और नेकी किस एतबार से। मस्जिद बनवा के गए, मस्जिद बनवा के गए, तो जब तक वो मस्जिद बाकी है, जब तक वो मस्जिद जमीन पर बाकी रहेगी, जब तक उसमें नमाज पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, जिसने बनवाया था उसके नामे आमाल में ये सवाब लिखा जाता रहेगा, नमाज पढ़ने वाला भी तो सवाब का मस्त रहे, और जो बनवा के गया है वो भी सवाब का मस्त रहे, जो बनवा के गया है वो भी सवाब का मस्त रहे। लेकिन पिक्चर हाल बनवा के चले गए, पिक्चर हाल बनवा के चले गए, तो अब जो है वो जितने लोग देख रहे हैं, और जब तक वो पिक्चर हाल है, जितने लोग वहाँ जा रहे हैं वो तो गुनहगार हो ही रहे हैं। जो बनवा के गया है उसके भी नामे आमाल में बदी का खाने में लिखा जाता रहेगा, ये गलत काम करके आया, ये गलत काम करके आया, ये गलत काम करके आया। तो नामे आमाल खुला रहेगा, क्यों खुला रहेगा? इसलिए कि हिसाब का दिन अभी नहीं आया है, हिसाब का दिन तो उस दिन होगा जब मैदान महशर सजेगा, तब नामे आमाल पेश किया जाएगा, उससे पहले नामे आमाल पेश नहीं किया जाएगा। सब मस्जिद में बांधे गए, बताइए कितना सवाब प्रदान कर दिया है। वो भूमियां मस्जिद में बांध गए थे, आज की पीढ़ी को भूमिया जो है बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी भी नहीं, नाम बांधे, नाम बाकी नूरमिया बनवा के गए, नूरमिया ने मस्जिद बनवाई, तो नूरमिया का तो जो है ना हमारे खुला होगा। अब जितने जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वो भी सवाब के मुस्तहिक हों, और नूरमिया भी सवाब के मुस्तहिक हो जाए, सवाब के मुस्तहिक हो, क्योंकि एक असर छोड़ के गए, एक असर छोड़ के गए। तो जो असर छोड़ के गए हैं उसकी वजह से अल्लाह कह रहा है कि असर हम लिखते रहते हैं, तो वो लिखा जाता रहेगा, ये मस्जिद कायम रहेगी, नमाजी आते रहेंगे, नमाज होती रहेगी, नूरमिया के नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। अब आप ये बताइए, अगर कोई इस्लाम को बचा के चला जाए, अगर कोई इस्लाम को बचा के चला जाए, तो अब आप बताइए, इस्लाम में ही नमाज है,
इस्लाम में ही रोजा है, इस्लाम में ही हज है, इस्लाम में ही ज़कात है, इस्लाम में ही सारे अरकान है। तो अब जो इस्लाम को बचा के चला गया, नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, हुसैन और कर्बला वालों हाजी हज करते रहेंगे, कर्बला वालों को सवाब पहुँचता रहेगा, ज़कात देने वाले ज़कात देते रहेंगे, कर्बला के शहीदों का सवाब पहुँचता रहेगा। तो अब जब ये होता रहेगा, नूर मियाँ की मस्जिद बहुत याद है, बाबरी मस्जिद बहुत याद है, हुसैन का कर्बला भूले हुआ, हुसैन की कर्बला भूल गए हो, अरे जिसने इस्लाम को बचा लिया उसी को भूल गए, जिसने इस्लाम को तहफ्फुज़ कर लिया उसी को भूल गए। हुसैन ने कुर्बानियां पेश की, इमाम हुसैन ने कुर्बानियां पेश की है, एक असर छोड़ा है, ऐसा असर छोड़ा है सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी मुतासिर, ईसाई भी मुतासिर, यहूदी भी मुतासिर, हर कोई मुतासिर। फर्श आदम पर हर मजहब और मसलक का आदमी आ गया, हर मजहब और मसलक का आदमी है, ऐसा असर छोड़ा है करबला, ऐसा असर करबला ने छोड़ा। और आप फिर अब ये देखें, रसूल को नहीं मानते यहूदी है, रसूल का कलमा नहीं पढ़ रहा है, मगर इमाम हुसैन के लिए फिराज अकीदत पेश कर रहा है, फिराज अकीदत पेश कर रहा है। ईसाई है, हजरत ईसा को मानते हैं, मगर इमाम हुसैन को इमाम हुसैन की लड़ाई थी किससे? ईसाइयों से तो लड़ाई हुई नहीं, यहूदियों से तो इमाम हुसैन का टकराव हुआ नहीं, मुश्रिकों से तो इमाम हुसैन नहीं टकराए ना, टकराए किससे? वो टकराए किससे इमाम हुसैन? तो मैं अक्सर कहता हूं बिगड़े हुए मुसलमानों से टकराए, बिगड़े हुए मुसलमानों से टकराए। अगर उन्हें मुसलमान माना जाए तो, अगर उन्हें मुसलमान कहा जाए तो उनसे टकराए, उनसे टकराए, चूंकि वो अपने को मुसलमान कह रहे थे, तो थे मुसलमान कि नहीं थे ये तो बाद में तय होगा, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं। कलमा किसका पढ़वा रहे थे? रसूल का कलमा पढ़ रहे, और कत्ल किसे कर रहे थे? रसूल के नमाज़े को कत्ल कर रहे थे, रसूल के नमाज़े को कत्ल कर रहे थे। टकराव को उन्हीं मुसलमानों से हुए ना, या मुनाफिक कह लीजिए या बिगड़े हुए मुसलमान कह लीजिए, उनसे टकराव हुआ। तो वो टकराव उस वक्त हुआ कि आज भी है, उस वक्त भी हुआ या आज भी टकराव है? कोई कोशिश ये होती है कि अच्छी बात आदमी बयान करना चाहिए। कर्बला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां पेश की, कत्ल हो गए, शहीद हो गए। हम जब उस जिक्र को करेंगे जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उनको खुशी आ रही है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, चलो चले बैठते हैं, चल सुनते हैं, चल इसलिए कि इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा मिल जाए जो कहेंगे कहाँ तक करेंगे जिक्र, कब तक जिक्र करते रहेंगे, ये हुसैन का तस्करा कब तक चले, कब तक ये जिक्र होता रहे? तो हमारा जवाब ये है कि जब तक यजीद पैदा होते रहेगा हुसैन का तस्करा होता रहेगा, जब तक यजीद पैदा होते रहेंगे तब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जितनी मुखालफत किसी चीज की जाती है उतनी ही वो चीज उभर के सामने आती है, उतनी ही वो चीज उभर के सामने आती है।
जिस कदर मुखालफत इमाम हुसैन के जिक्र की और करबला की हुई उस कदर जो है वो उभर के क्यों अभी बिजली जो अभी मैं पहुंच के आ रहा हूं इसमें क्या इमाम हुसैन ने फिक्र नहीं की कि हमारे दोस्त वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे दोस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे घर वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। कम अज कम इतना तो सोचते सैलानियों को कौन थे जनाब जैनब ने यही तो सवाल पूछा भी है, ये सवाल पूछा भी है कहा भैया जब नाना दुनिया से उठे तो बाबा थे, बाबा दुनिया से गए भैया आसन थे, भैया आसन दुनिया से गए तो आप थे, अब आप जा रहे हैं Gracias.